Hello students, this is the 8th video of this chapter. Now we are going to start topic mass upon volume percentage. Amount of solute, formula is amount of solute upon total volume of solution या amount of solvent upon total volume of solution. Amount of solute, ये जो solvent है mass. मास होता है ग्राम किलोग्राम में और वॉल्यूम होता है लीटर मिलीलीटर में. तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ये जो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है वो होगा ग्राम में और अमाउंट ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा मिलीलीटर में. तो ग्राम पर मिलीलीटर, ये किलोग्राम पर लीटर. ठीक है, नाउ ग्राम पर मिलीलीटर या किलोग्राम पर लीटर. डेंसिटी का फॉर्मूला आपको बिल्कुल मालूम होगा, मास अपॉन वॉल्यूम. वॉल्यूम किस में हो सकता है, मिलीलीटर में, सीसी में, सेंटीमीटर क्यूब में, लीटर में, मीटर क्यूब में. सीसी मीन सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, सीसी ऑब्लिक सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू एमएल. सीसी सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, 1 ml एक ही बात है. ठीक है, इफ वी हैव 100 ml ऑफ एल्कोहल, अगर 100 ml ऑफ एल्कोहल है मीन्स वॉल्यूम उसका 100 ml है और उसकी डेंसिटी आपको दे रखी है 1.50 ग्राम पर सीसी, सेंटीमीटर क्यूब या ग्राम पर ml, तो आप उसका मास कैसे निकालोगे. आपको गिवन में क्या है, वॉल्यूम 100 ml वॉल्यूम दे रखा है और डेंसिटी दे रखा है. डी फोर डेंसिटी, ये जो पी जैसा एक सिंबल है जिसे रो बोलते हैं, इस तरह से होता है, इस तरह से. ठीक है, ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ. ठीक है, इसको रो बोलते हैं. डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. मास हमें फाइंड आउट करना है. डेंसिटी आपको गिवन है 1.50 ग्राम पर सीसी एंड वॉल्यूम आल्सो गिवन 100 ml. ठीक है, तो 1.50 ग्राम पर ml इक्वल टू एक्स, एक्स आपने एज्यूम कर लिया मास, अपॉन 100 ml. एक्स मास निकालोगे तो जाहिर सी बात है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 150 ग्राम आपका मास आ जाएगा. ठीक है स्टूडेंट, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अ सोल्यूशन कंटेन 20 ग्राम ऑफ एल्कोहल एंड 80 ml ऑफ वाटर. देखिए 20 ग्राम ऑफ एल्कोहल एंड 80 ml ऑफ वाटर मीन्स आपको पता चल रहा है कि मास अपॉन वॉल्यूम वाला ही क्वेश्चन है क्योंकि मास है ग्राम में और वॉल्यूम है ml में. तो वाटर की डेंसिटी दे रखी है 1 ग्राम पर सीसी जो कि फिक्स है. फाइंड मास अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट. मास अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की आपको मास अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज निकालनी है. तो सॉल्यूशन यहाँ सॉल्वेंट के लिए निकालना है. आपको सॉल्यूशन का की डेंसिटी दे रखी है, सॉल्यूशन का रो दे रखा है, मीन सॉल्यूशन की डेंसिटी इज इक्वल टू 2 ग्राम पर सीसी. सॉल्यूशन की, बच्चों ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन की दे रखी है, सॉल्वेंट की नहीं दे रखी. ठीक है, सॉल्यूशन की. अब आप इसको फाइंड आउट करते हैं. डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. वाटर के लिए डेंसिटी क्या है, 1 ग्राम पर ml. मास आपको दिया नहीं हुआ, वॉल्यूम आपको दे रखा है 80 ml ऑफ वाटर. लेट्स सी, देखिए अगेन 80 ml ऑफ वाटर आपको दे रखा है और डेंसिटी दे रखी है. ठीक है, गिवन में 80 ml ऑफ वाटर है और डेंसिटी है 1 ग्राम पर ml इज इक्वल टू मोलर मास, मास अपॉन 80 ml. मास निकालने के लिए आपको ग्रोस मल्टीप्लीकेशन करना होगा, 80 ग्राम मास ऑफ वाटर. तो मास क्या आ गया, 80 ग्राम. ठीक है, नाउ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. सॉल्यूट आपको दे रखा है अल्कोहल जिसको आप, जो आपको 20 ग्राम ऑलरेडी गिवन में है 20 ग्राम, और आपने सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या था, वाटर. वाटर में आपने अल्कोहल को मिक्स किया था, जिसको मिक्स करते हैं वो सॉल्यूट, जिसमें मिक्स करते हैं वो सॉल्वेंट. तो सॉल्वेंट आपका वाटर था, तो वाटर की आपने क्वांटिटी ऊपर फाइंड आउट कर ली है 80 ग्राम. तो 20 + 80 ग्राम इक्वल टू 100 ग्राम. सॉल्यूशन हो गया आपका 100 ग्राम. नाउ मास अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला, मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में. मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में. अब आपके पास टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो है ही नहीं, तो आप उसको फाइंड आउट करोगे. तो सॉल्यूशन के लिए डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. ठीक है, मास आपने निकाल लिया है 100 ग्राम, सॉल्यूशन का मास आपने 100 ग्राम कैलकुलेट कर चुके. अगेन
डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. ठीक है, वॉल्यूम आपको पता नहीं है, मास आपको आपने अभी कैलकुलेट किया है. सोल्यूशन का मास, सोल्यूशन का वॉल्यूम निकालने के लिए आपको डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम फॉर्मूला लगाना पड़ रहा है. ठीक है, तो वॉल्यूम आपको निकालना है, मास आपको आपने अभी निकाला है 100 ग्राम. डेंसिटी क्या है आपको दे रखी है, गिवन है 2 ग्राम पर ml. ये देखिए क्वेश्चन के लास्ट में आपको डेंसिटी दे रखी है 2 ग्राम पर ml या पर सीसी. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ डेंसिटी की जगह आप लिखेंगे 2 ग्राम पर ml एंड और आप लिखेंगे मास की जगह 100 ग्राम पर वॉल्यूम. वॉल्यूम निकालने के लिए 2 आपका 100 के अपॉन में आ जाएगा, तो 100/2 ग्राम पर ml, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, 100/2 = 50 ml. वॉल्यूम आ गया आपका 50 ml. अब आप मास परसेंटेज का फॉर्मूला लिखाइए, मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100. ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना था, सॉल्वेंट मतलब जो वाटर था उसका मास कितना आया था, 80 ग्राम. यू हैव टू फाइंड आउट ऑलरेडी. ठीक है, 80/50 ml. 50 ml क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, 50 ml मल्टीप्लाई 100. 52 कट कर देंगे, 50 से 100 कट किया 2, 82 जा 160 ग्राम ml. तो मास पर वॉल्यूम की परसेंटेज आ गई आपके पास 160 ग्राम पर ml. स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसे आप 10 बार देखिए, समझ रहे हो आप, 10 बार देखिए आप इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन जरूर आपको फाइनल एग्जाम में मिलेगा. ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू सो मच.